हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित और आप देख रहे हैं एके मोटर राइड्स। और आज हमारे सामने है एक्सट्रीम 160R 4V वेरिएंट, जो अभी हाल ही में हीरो ने लॉन्च किया है नया प्रोडक्ट। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको बाइक कितनी किफ़ायती पड़ने वाली है, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या है इसकी माइलेज है, क्या इसकी पावर है, और ये आपको लेना कितना बेनिफिशियल होने वाली है, और ये फाइनेंस पे आपको कितने की पड़ने वाली है, और अगर कैश आप इसको लेना चाहते हैं तो ये कितने की पड़ने वाली है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो, इसके कुछ डिटेल्स रिव्यूज़। फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एक नॉर्मल सी दिखने वाली की इसमें आपको मिल जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की इसमें लगा के इसको ऑन कर देते हैं, तो चलते हैं इसके फ्रंट से। तो मैं गाइज आपको बताऊँ, इसमें आपको एक बहुत ही साफ सा आपको एक LED हेडलैम्प मिल जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपको एक LED DRL मिल जाती है जो काफ़ी अच्छी दिखती है। और यहाँ पर आपको 3D हीरो का लोगो जो 3D में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट माउंट का एक बहुत ही प्यारा सा स्टैंड आपको मिल जाता है। बात करते हैं इसके रिंकल्स की गाइस, तो इसमें आपको LED गाइस जो रिंकल्स हैं वो आपको मिल जाते हैं, जो काफ़ी विजिबिलिटी है देते हैं काफ़ी। और गाइस यहाँ की अगर बात करते हैं नीचे की तरफ, तो इसमें आपको USD फोक्स मिल जाते हैं KYB के, मतलब गोल्डन कलर के में फोक्स हैं, काफ़ी सुंदर ये आपको दिखने में लग रहे होंगे। और गाइस बात करते हैं यहाँ साइड की, तो यहाँ पर आपको 276 मिलीमीटर के आपको पेट्रोल डिस्क मिल जाते हैं ABS के साथ। और यहाँ पर अगर बात करते हैं गाइस इसके टायर साइज की, तो इसमें आपको 180/18 का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 160R की आपको व्हील पर आपको एक ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पर आप देखें तो यहाँ काफ़ी आपको मजबूत यहाँ पर इसका फेंडर मिल जाता है, और आपका जो कलर है इसमें आप स्पार्कल आप नोट कर रहे होंगे, इसमें कलर काफ़ी अच्छा है, ये आपको स्पार्कल टाइप का दिखता है। यहाँ पर आपको इसे एक रिफ्रैक्टर मिल जाता है कि सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ आपको एक फुली डिजिटल इसमें मीटर मिल जाता है गाइज, ये स्टार्टिंग का कुछ ऐसे दिखता है। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशंस एंड गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर सेकेंड गियर में भी खड़ी हुई है तो भी आपको शो हो रहा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ आपको लो फ्यूल इंडिकेटर है, और यहाँ पर आपको माल फंक्शन लाइट और साइड चेंज इंडिकेटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ABS की ब्लिंकिंग लाइट, यहाँ पर मेन टू से अभी इसका ABS ऑन है। इसके जो स्विचेस हैं अगर इनकी बात करते हो, इसमें काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के आपको स्विच मिल जाते हैं, या आपको लो बीम हाई बीम का स्विच है, और यहाँ पर आपको टर्न इंडिकेटर का स्विच मिल जाता है। और यहाँ पर इसका जो हॉर्न स्विच है काफ़ी लाउड है, मैं आपको इसका सुना के दिखा देता हूँ, काफ़ी तेज इसका हॉर्न भी है। और यहाँ पर आपको E20 की बेजिंग मिल जाती है, क्योंकि ये गाड़ी OBD2 है तो E20 नॉर्म्स के साथ ये काम करने वाली है। और यहाँ पर अगर बात करें तो पहली एक्सट्रीम और इसमें 160R 4V के अंदर आपको थोड़ा सा चेंजेस इसके टैंक में मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका जो टैंक की शेप है वो थोड़ा सा उठा दिया गया है कंपनी की तरफ से, और इसमें आपको ये दोनों एयर इनटेक के लिए दोनों जगह भी दे दी है, ताकि एयर आसानी से जाके फ्यूल टैंक आपका ठंडा रह सके। बात करते हैं इसके राइट साइड की गाइस, तो यहाँ पर आपको एक इंटीग्रेटेड स्किल स्विच मिल जाता है, यहीं से आप बाइक स्टार्ट भी कर सकते हो और यहीं से आप बाइक बंद भी कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक हैजर्ड स्विच मिल जाता है, जहाँ से आप ऑन करके इसके चारों इंडिकेटर्स एक साथ ऑन हो सकते हैं। तो ये है इसके स्विचेस की बात। और गाइज यहाँ पर बात करते हैं इसके साइड की प्रोफाइल की, तो यहाँ पर आपको ये इसकी टैंक पे अगर बात करें तो 160R की एक पूरी प्यारी सी ग्राफिक्स आपको मिल जाती है, और ये न्योन कलर का जो एक कॉम्बिनेशन है वो इस बाइक में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बात करते हैं इसके इंजन की, तो गाइज यहाँ पर आपको 160cc का एक एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इंजन गार्ड मिल जाता है, जिसपे आपको 4 वॉल्व की एक ब्रांडिंग मिल जाती है, तो ये आपके इंजन को काफ़ी सेफ्टी देने वाला है। इंजन की पावर की बात करें गाइस, तो यहाँ आपको 16.9 PS की ये पावर जनरेट करता है, और 14.6 Nm का ये आपको टॉर्क प्रदान करता है, जो काफ़ी एक अच्छा टॉर्क माना जाता है 160cc की गाड़ी के अंदर। तो हीरो ने काफ़ी अच्छा चेंजेस किया है 160R अपनी एक्सट्रीम बाइक के अंदर। अब यहाँ से बात करते हैं, तो यहाँ से इसका एग्जॉस्ट आप देख रहे होंगे, यहाँ पे इसको ऑक्सीजन सेंसर दिया गया है, और यहाँ पे 5 फिन आपको ये जो ऑयल कूल्ड इसका जो रेडिएटर टाइप है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। और यहाँ की बात यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक साइलेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी मजबूत सी प्लेट दे दी गई है, और यहाँ पर भी आपको प्लेट दे दी गई है। और यहाँ पर अगर बात करते हैं तो यहाँ ये आपको वही प्लास्टिक का जो ये जो इंजन गार्ड है उसी का ये एरिया है, तो ये थोड़ा सा और मजबूत भी हो सकता था। और यहाँ पर आपको प्रोग्राम FI की ब्रांडिंग मिल जाती है, और पीछे अगर देखते हो तो ये इसके डिस्क ब्रेक है, उसका पेडल काफ़ी हैवी नज़र आता है। और यहाँ पर आपको आपके शू के लिए एक प्रोटेक्टर मिल जाता है, ताकि आपका शूज़ जो है इंजन से टच होके गर्म ना हो।
यहाँ आपको आपका जो फुट रेस्ट है काफ़ी मजबूत लग रहा है और ये फोल्डेबल भी है, तो फोल्डेबल नहीं है बट इसके अंदर स्प्रिंग दी हुई है, या आप आसानी से जब गाड़ी को बैक करते हैं तो आपके पैर से लग के आप पीछे मतलब अलग से ही हट जाएगा। और यहाँ पर बात करते हैं तो आपको एक अच्छा सा फ्रेम दिया हुआ है जिसपे बाइक पूरी लगी हुई है। और गाइस बात करते हैं इसके यहाँ साइड की, तो यहाँ पर आपको रियर डिस्क ब्रेक का ये ऑयल जो बोतल होती है वो एडजस्ट है, और यहाँ पर आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक शोकर मिल जाता है गाइस। और इसका अगर पीछे मतलब इसकी मफलर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी एक स्लीक सा और शार्प सा मफलर मिल जाता है, और मफलर की प्रोडक्शन के लिए भी आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्शंस मिल जाती हैं ताकि आप इससे टच ना हो पाएँ। और यहाँ अगर बात करें रियर इसके फुटरेस्ट की, तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम का एक फुटरेस्ट मिल जाता है, काफ़ी मजबूत है, और इस पर कुछ निशान्स दिए, मार्क्स दिए हैं ताकि आपका जो पैर है वो आगे ना फिसल सके। तो काफ़ी सेफ्टी का ध्यान रखा गया हीरो की तरफ से इस गाड़ी में। इसका जो एग्जॉस्ट नॉट है वो आपको सुनवाएंगे, क्योंकि 4V और 2V के अंदर एग्जॉस्ट नॉट के अंदर काफ़ी चेंजेस है, तो आइए इसका एग्जॉस्ट आपको सुनवा देते हैं। अगर इसको स्टार्ट कर देते हैं तो गाइस ये है इसका एग्जॉस्ट नॉट। कैसा लगा गाइस आपको इसका एग्जॉस्ट नॉट, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। गई ये इसकी सीट की अगर बात करते हैं तो सीट का जो कुशन है काफ़ी सॉफ्ट है, और इसका जो लेदर है मतलब जो इसकी टेक्सचर है काफ़ी मजबूत दिया, और इसमें आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है गाइस। यहाँ पर आपको 160R की बेसिंग मिल जाती है, और आपको आपकी इसकी जो लुक को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा नियोन कलर का एक पार्ट्स लगा दिया गया है ताकि इस गाड़ी की जो स्प्लिट सीट है देखने में काफ़ी अच्छी लगे। और अगर बात करते हैं इसकी पहले वाली सीट से, तो काफ़ी ऊंची ये सीट दे दी गई है और काफ़ी कंफर्ट भी मुझे इसमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर आपको ग्रैब रेल्स जो देखने को दिख रहे होंगे आपको, ये ग्रैब रेल्स काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं, आप यहाँ इनको पकड़ के मतलब देखने में काफ़ी लुक बड़ा अच्छा लग रहा है ग्रैब रेल्स का भी। और बात करते हैं इसके रियर टायर की, इसमें आपको 130mm का चौड़ा टायर मिल जाता है, मतलब 170 और 17 का इसमें आपको टायर मिल जाता है। और इसकी जो एलॉय व्हील्स हैं उस पर भी आपको एक नियोन कलर की एक देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं इसके रियर डिस्क ब्रेक की, तो यहाँ पर आपको 220mm का ड्यूअल मतलब पहले वाले डिस्क में भी आपको मतलब जो फ्रंट में भी आपको ABS मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक खास बात मिल जाती है कि इसके पीछे वाले डिस्क ब्रेक के अंदर भी आपको ABS देखने को मिल जाता है गाइस। आइए चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल पे, तो यहाँ आपको एच शेप में इसका जो टेल लैंप है यहाँ आपको एच शेप में देखने को मिल जाता है। और यहाँ अगर बात करते हैं इसके LED रिंकल्स की, तो आप देख सकते हैं कितने ब्राइट हैं इसके रिंकल्स, और यहाँ पर हैजार्ड स्विच की वजह से ये दोनों चारों इंडिकेटर साथ ही चल रहे हैं। और इसके जो रियर फेंडर है मतलब वो भी काफ़ी अच्छा और स्लीक सा दिया हुआ है पीछे। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ आपको एक बड़ा काफ़ी मजबूत सा एक सारी गार्ड आपको मिल जाता है, और यहाँ आपको एक इसका चेन कवर, चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए चैन कवर दिया है, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ अगर बात करते हैं तो वही आपको लेफ्ट हैंड साइड का रियर फुटरेस्ट मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एच हीरो की एक ब्रांडिंग मिल जाती है देखने को गाइस। तो ये है आपकी हीरो एक्सट्रीम 160R 4V बाइक। अगर कीमत की बात करते हैं गाइस, तो 1,33,000 रुपये इसका एक शोरूम प्राइस है, ऑन रोड प्राइस हर सिटी का अलग हो सकता है। तो कैसी लगी आपको ये बाइक प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा प्लीज़। गाइस इस बाइक के अंदर आपको तीन कलर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, एक रेड मिल जाता है, और एक मैट ब्लैक कलर आपको देखने को मिल जाता है, और आपको एक नियोन के साथ ये ग्रे कलर आपको देखने को मिल जाता है गाइस। तो इसमें USD फॉक्स और नॉर्मल फॉक्स दोनों आपको मिल जाते हैं, इसमें एक वेरिएंट और भी आता है उसको बोलते हैं प्रो वेरिएंट, उसमें आपको एक कनेक्टिव फीचर्स कुछ मिल जाते हैं उसके अंदर आपको मतलब जियो फेंसिंग्स और आपको कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, और प्लस आपको पैनी कलर्स जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल जाते हैं। वो थोड़ा से कॉस्टली है बट वो अवेलेबल नहीं थी बाइक, इसलिए मैंने आपको ये दिखाया। और थैंक्स टू गिव मी दिस बाइक श्री शिव शक्ति ऑटोमोटिव मोदीपुरम। अगर आपको बाइक की कुछ टेस्ट राइड लेनी हो, बाइक खरीदनी हो, तो शोरूम की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस, प्लीज़ आप वहाँ जाके बाइक को चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो तक ही उनको आपको मिलते रहें गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग AK मोटर राइड्स, बाय बाय।